समर्थक सीधे तौर पर इसे खारिज कर रहे हैं कि किसी भी तरह से सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में अर्जे शाश्वत का हाथ है, इसीलिए हंगामा जो है यहां पर गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों का नजर आया। कोई सबूत नहीं है, पुलिस को बोलिए सबूत दे, गिरफ्तारी कैसे हो गई, मैं जवाब मांगती हूँ प्रशासन से, मैं प्रशासन से जवाब मांग रही हूँ। लेकिन प्रशासन तो कर रहा है, उनके पास साक्ष्य है, सारे साक्ष्य तो सबूत दे, सबूत दे, कौन आदमी क्या किया है, सबूत दे, खाली डायरी बनाने से नहीं होगा, सबूत मांगती है कानून। हम लोग का 2 घंटा निकलने के बाद उसके बाद सब राजनीति के आरजेडी या कांग्रेस या मिल करके और दोनों मिल करके ये षड्यंत्र रहता है और राजकीय अर्जित को फंसाया गया। नाम बोलने से जेल होता है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने बेटे का बचाव यहां पर किया है। उन्होंने कहा कि अर्जित ने कोर्ट का सम्मान करते हुए अग्रिम जमानत नहीं मिलने के बाद सरेंडर किया है, निष्पक्ष तौर से इस मामले की जांच आगे होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बयान यहां पर सामने आया। पूछिए बिहार सरकार के कुछ ऐसे रहनुमा से, वो तो सरेंडर करने के लिए जा रहा था, क्यों उसे रोका गया? और मुझे लग रहा है वो कभी भी पुलिस के डर से वो डरने वाला जवान नहीं था, क्योंकि उसने कोई अपराध नहीं किया था, कोई हत्या नहीं किया था, कोई भ्रष्टाचारी के अंदर जेल नहीं गया, कोई बलात्कार कांड में नहीं गया। वो भारत माता का एक राष्ट्रभक्त के नाते वो भारत माता वंदे मातरम कह करके, और अगर उसको जेल जाना पड़ा तो लगातार भारत माता और वंदे मातरम जय श्री राम करता रहेगा। ये राजद और कांग्रेस के तमाम ऐसे लोगों ने अपराधी तत्वों को आगे बढ़ा करके, चाहे दरभंगा का कांड हो, भागलपुर का कांड हो, मुंगेर में हो, नवादा में छिटपुट हिंसा घटी हो या औरंगाबाद में, ये तमाम जगहों पर राजद और कांग्रेस के गुर्गों ने कहीं चप्पल फेंकवाने का काम किया, कहीं पत्थर फेंकवाने का काम किया शोभा यात्रा जुलूस पर, कहीं मूर्ति तोड़ी गई, कहीं हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी गई, कहीं भगवती की मूर्ति तोड़ी गई। क्या इस देश के अंदर, भारत के अंदर हम सब लोग मिलकर रहने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ शरारती तत्व और ये राजद और कांग्रेस के सहारे ये गुंडे तत्व कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। और भागलपुर से हमारे संवाददाता रजनीश ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। रजनीश, कानूनी तौर पर तो अब ये साफ हो गया है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, लेकिन इसके अलावा ये जानना चाहेंगे सियासी तौर पर आगे कितना उबाल मचता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, आज रविवार का दिन था, कोर्ट बंद है, लेकिन एसीजीएम यहाँ पे AK उपाध्याय, उनके अस्थायी जो कोर्ट उनके घर पे बैठी, उसमें अर्जित शाश्वत को यहाँ पे उपस्थित किया गया, पेश किया गया। उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया। तमाम सारे जो उनके समर्थक है चौक चौराहे पर यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, उनके समर्थन में नारे लगा रहे थे, साथ ही साथ प्रशासन में भेदभाव करने का आरोप लगा रहे थे, जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है ऐसा आरोप लगाते हुए जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कैंप जेल में उन्हें भेजा गया है और जगह जगह पे यहाँ पे किए गए हैं हर चौक चौराहे पर। अगर राजनीतिक तौर पे देखें तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब भी जारी है और यहाँ पे बीजेपी के तमाम सारे नेता समर्थक और पार्टी के कार्यकर्ता जो है जगह जगह पे प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से अर्जित शाश्वत की यहाँ पे पेशी हुई और इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया, इसको लेकर तो जाहिर तौर पे जो राजनीतिक जो बयानबाजी है या राजनीतिक तौर पे पूरा जो मसला मामला है वो अपनी जगह लगातार जारी है।